देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, इसे लेकर रेलवे पर यात्रियों की काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है, जो अपने घर की ओर जाने को निकल पड़े हैं। हालांकि यात्रियों की भारी भीड़ को लेकर रेलवे विभाग भी अलर्ट मोड पर है और वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है, जिससे किसी तरह की अनहोनी न हो सके और यात्रियों की यात्रा सुगम हो सके। अवगत कराना चाहता हूं कि आगामी समय में दीपावली, छठ और ये त्यौहार आ रहे हैं। इस सीजन में काफ़ी लोग यहां से अपने घर जाते हैं, वापस आते हैं, तो नॉर्मली स्टेशन पे काफ़ी भीड़ रहती है। इस भीड़ का फ़ायदा उठा के असामाजिक तत्व हुए, ये लोग सब जनता के साथ अपराध में शामिल हो जाते हैं, उनके बैग चोरी कर लेते हैं या जहर खुरानी जैसी घटनाएँ घटित होती है। तो इसके रोकने के लिए GRP और RPF और डॉग स्क्वाड की टीम मिलकर समय समय पर लगातार चेकिंग करती हैं, ट्रेनों में जाके यात्रियों को जागरूक करती हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई खाने पीने की वस्तु ना खाएं, कोई वो आपके आपके भाषा के अनुसार या आपके क्षेत्र का बता के आपके साथ घटना घटित कर सकता है। इसी को रोकने के लिए हम समय समय पर चेकिंग करते रहते हैं और यात्रियों को जागरूक करते हैं। इस दौरान RPF इंस्पेक्टर ने लोगों से अपील भी की और किसी तरह का संदेह होने पर रेलवे विभाग को सूचना देने की बात भी कही। बस अपील यह है कि पुलिस तो देखिए बहुत कम होती है और हर जगह वो सेफ्टी नहीं बढ़ सकती, लेकिन उस अपराध को रोकने के लिए हमको जनता को भी जागरूक, अगर जनता जागरूक होगी तो आधे अपराध तो हमारे वैसे ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए उनसे अपील है कि जो हम जैसे हम बताते हैं, जैसे कि किसी भी अनजान व्यक्ति से बात ना करें, उसके कोई खाने पीने की वस्तु ना लें, अपने बारे में कुछ बताए नहीं, कोई भी कीमती चीज़ अगर ले जा रहे हैं उसको अपने पास रखें या मोबाइल अपना चार्जिंग में लगा के सोए नहीं, क्योंकि अपराधी जब अपराध घटित करता है जब हम लापरवाही करते हैं। अगर हम लापरवाही नहीं करेंगे तो अपराध घटित होगा ही नहीं। अगर आपके साथ कोई सीट पर कोई अन्य व्यक्ति आके बैठ रहा है तो आप उससे पूछिए कि आप हमारी सीट पर कैसे बैठे हैं या यहाँ क्या कर रहे हैं, या TT को बताएं कि सर ये आ गया है जो जो संदिग्ध टाइप का प्रतीत हो रहा है, तो बस अगर हमको सूचना देंगे तो हम अपराध रोकेंगे। गौरतलब है कि त्योहारी सीजन के दौरान अक्सर चोरी और चेन स्नैचिंग जैसे कई मामले सामने आते हैं, जिससे लोगों की यात्रा में खटास पड़ जाती है और उनकी यात्रा मंगलमय नहीं हो पाती, जिसे मंगल बनाने के लिए ही रेलवे विभाग की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे उनकी यात्रा सुखद हो सके। सूर्य समाचार के लिए अम्बाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट। देश में त्योहारी सीजन की शुरुआत हो चुकी है, इसे लेकर रेलवे पर यात्रियों की काफी भीड़ भी देखने को मिल रही है, जो अपने घर की ओर जाने को निकल पड़े हैं। हालांकि यात्रियों की भारी भीड़ को लेकर रेलवे विभाग भी अलर्ट मोड पर है और वो रेलवे प्लेटफॉर्म पर सघन चेकिंग अभियान चला रही है, जिससे किसी तरह की अनहोनी न हो सके और यात्रियों की यात्रा सुगम हो सके। अवगत कराना चाहता हूं कि आगामी समय में दीपावली, छठ और ये त्यौहार आ रहे हैं। इस सीजन में काफी लोग यहाँ से अपने घर जाते हैं, वापस आते हैं, तो नॉर्मली स्टेशन पर काफी भीड़ रहती है। इस भीड़ का फ़ायदा उठा के असामाजिक तत्व हुए, ये लोग सब जनता के साथ अपराध में शामिल हो जाते हैं, उनके बैग चोरी कर लेते हैं या जहर खुरानी जैसी घटनाएं घटित होती है। तो इसके रोकने के लिए GRP और RPF और डॉग स्क्वाड की टीम मिलकर समय समय पर लगातार चेकिंग करती हैं, ट्रेनों में जाके यात्रियों को जागरूक करती हैं कि किसी भी अनजान व्यक्ति से कोई खाने पीने की वस्तु ना खाएं, कोई वो आपके आपके भाषा के अनुसार या आपके क्षेत्र का बता के आपके साथ घटना घटित कर सकता है। इसी को रोकने के लिए हम समय समय पर चेकिंग करते रहते हैं और यात्रियों को जागरूक करते हैं। इस दौरान RPF इंस्पेक्टर ने लोगों से अपील भी की और किसी तरह का संदेह होने पर रेलवे विभाग को सूचना देने की बात भी कही। बस अपील यह है कि पुलिस तो देखिए बहुत कम होती है और हर जगह वो सेफ्टी नहीं बढ़ सकती, लेकिन उस अपराध को रोकने के लिए हमको जनता को भी जागरूक, अगर जनता जागरूक होगी तो आधे अपराध तो हमारे वैसे ही खत्म हो जाएंगे। इसलिए उनसे अपील है कि जो हम जैसे हम बताते हैं, जैसे कि किसी भी अनजान व्यक्ति से बात ना करें, उसके कोई खाने पीने की वस्तु ना लें, अपने बारे में कुछ बताए नहीं, कोई भी कीमती चीज़ अगर ले जा रहे हैं उसको अपने पास रखें या मोबाइल अपना चार्जिंग में लगा के सोए नहीं, क्योंकि अपराधी जब अपराध घटित करता है जब हम लापरवाही करते हैं। अगर हम लापरवाही नहीं करेंगे तो अपराध घटित होगा ही नहीं। अगर आपके साथ कोई सीट पर कोई अन्य व्यक्ति आके बैठ रहा है तो आप उससे पूछिए कि आप हमारी सीट पर कैसे बैठे हैं या यहाँ क्या कर रहे हैं, या TT को बताएं कि सर ये आ गया है जो जो संदिग्ध टाइप का प्रतीत हो रहा है, तो बस अगर हमको सूचना देंगे तो हम अपराध रोकेंगे। गौरतलब है कि त्योहारी सीजन के दौरान अक्सर चोरी और चेन स्नैचिंग जैसे कई मामले सामने आते हैं, जिससे लोगों की यात्रा में खटास पड़ जाती है और उनकी यात्रा मंगलमय नहीं हो पाती, जिसे मंगल बनाने के लिए ही रेलवे विभाग की ओर से कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे उनकी यात्रा सुखद हो सके। सूर्य समाचार के लिए अम्बाला से नरेश सैनी की रिपोर्ट।